बदहाल व्यवस्था, बेबस मरीज, नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लच्चर हो चुका है। सरकार की स्वास्थ्य सेवाएं हाशिए पर हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक नहीं है। इलाज में लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर ऑपरेशन के बाद मरीजों के साथ लापरवाही का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतर्रा तहसील के बिसंडा कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं की नसबंदी के बाद उन्हें जमीन पर ही लिटा दिया गया। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 महिलाओं के नसबंदी के ऑपरेशन किए गए। यहां पर मरीजों को बेड तो दूर ठंडे फर्श पर मरीजों को लिटा दिया गया। ऐसे में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार की योजनाओं में चिकित्सक किस कदर खानापूर्ति कर रहे हैं। बांदा में नसबंदी ऑपरेशन के लिए जिला मुख्यालय के सर्जन डॉक्टर MC पाल को बिसंडा बुलाया गया था, जिन्होंने महिलाओं के ऑपरेशन किए। नसबंदी कैंप में ग्राम पवई निवासी अनीता, पत्नी देवराज, ग्राम भदवल निवासी सुमन, ग्राम सिंहपुर निवासी पूरन, पत्नी संतोष सहित 15 महिलाओं का कैंप में नसबंदी हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऑपरेशन के बाद ग्राम भदवल की सुमन सहित अन्य महिलाओं को अस्पताल परिसर में ही फर्श पर लिटा दिया गया। जिम्मेदार महिलाओं को एक बेड तक उपलब्ध नहीं करा सकी। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि नसबंदी के बाद महिला को संक्रमण और ठंड से बचाना बेहद जरूरी होता है, इसीलिए ऑपरेशन के तुरंत बाद बेड की सुविधा मिलनी चाहिए। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद तक लिटाना जरूरी होता है। इसी मामले में स्वास्थ्य संयुक्त निदेशक चित्रकूट धाम मंडल ने कहा, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाने का मामला संज्ञान में नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है, जानकारी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं CMO बांदा ने कहा, ऑपरेशन के उपरांत 2 महिलाओं को चक्कर आने का कारण गद्दा बिछा जमीन में लिटाया गया है। क्या मामला है और किस तरह से आपकी तरफ से कार्रवाई की? नहीं, उसमें इलाज नहीं हो रहा था, वो नसबंदी का कैंप लगा हुआ था। 15-16 केस रजिस्टर हुए थे जिसमें वहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, 30 बेड की हमारी CSC है। तो कुछ बेड्स फुल होने के बाद में कुछ दो तीन केसेस को बता रहे हैं जमीन पर फर्श बिछा के गद्दा लगाकर उस पर लिटाया गया था। वो केवल इंजेक्शन लगाने के लिए, उसके बाद ऑपरेशन किया गया, लेकिन अवशिष्ट कर दिया गया। वहाँ पे लेटे थे लाइन से लेटे हुए दिख रहे हैं, 2-3 तो दिख ही नहीं रहे हैं। ऐसे में किस तरह से जांच कराएंगे? क्या तो आवश्यकता पड़ गई जमीन पे लेटाने की? भाई, बेड्स के अभाव के कारण, जो बेड्स फुल होने के उपरांत दो चार केसेस केवल इंजेक्शन लगा के लिटा दिए गए थे। उसके बाद वो एम्बुलेंस से शिफ्ट कर दिए गए, गद्दे पर लिटाए गए, जमीन पर नहीं।